ये तो बाबा कहते हैं हेवनली गॉड फादर आया हुआ है तो हम नरक में क्यों बैठे हैं? कारण कुछ होगा या नहीं होगा? हैं? ज्ञान की कमी है माने बाप को पहचाना नहीं है, हैं? हैं? और कोई ने नहीं पहचाना बाप को, अगर कोई ने पहचाना ही नहीं तो फिर स्वर्ग आएगा ही नहीं। बाप तो कहते हैं नंबर बार पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं, नंबर बार खुशी में रहने वाले बच्चे हैं, संगम युग मौजों का युग है या नरक के दुखों में रहने का युग है? तो मौज में कोई है ही नहीं। माना बाप जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर पूरा पूरा चलते नहीं है, कुछ न कुछ अवज्ञाएं करते जरूर हैं, इसलिए सुख का अनुभव नहीं कर पाते। सोचने की बात है करोड़पति बाप का बच्चा हो फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज हो तो लोग क्या समझेंगे? हैं? हैं? बाप के कंट्रोल से बाहर है। यही हालत है, बाप आया हुआ है, सड़क का रचयिता है, बच्चे नरक में हैं, दुखों का अनुभव कर रहे हैं। कारण क्या है? हैं? अभी बाप के बच्चे ब्राह्मण बने ही नहीं हैं। इसलिए बोला अंत में सबको अनुभव होगा क्या अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। ऐसे निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोला खाते रहते हैं। जैसे बोला ज्ञान नहीं है
पूरी बाप की पहचान नहीं है कि बाप है क्या, तो अब अज्ञानी करते रहते। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कुछ देर करती है और कुछ क्रोध करती है। शरीर छोड़ने के बाद कोई शरीर में प्रवेश करके देख भी सकती है, सोच भी सकती है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा कुछ देख सकती है या कुछ सोच सकती है। सूक्ष्म शरीर भी तो प्रवेश करता है, बिना प्रवेश करते हैं, बिना प्रवेश करते, बिना प्रवेश करिए तो बस सिर्फ अपने घोड़े को पहचान लेती। जैसे शिव बाबा आता है तो दुनिया को कैसे देखता है, है? प्रवेश करता है तो देखता है। बाबा लेकिन और आत्मा जब मनुष्य शरीर से होते हैं उनको सूक्ष्म शरीर तो है ना बाबा, सूक्ष्म शरीर रहते हैं ना, शरीर होता है और कभी हैं सूक्ष्म शरीर से दूसरों की बातें नहीं सुन सकते हैं बाबा। सूक्ष्म शरीर से दूसरों की बातें नहीं सुन सकते, फिर प्रवेश करने की क्या दरकार, बातें भी नहीं कर सकते। सूक्ष्म शरीर होते हैं ना, हाँ सूक्ष्म शरीर होता है लेकिन कोई कोई को अनुभव होता है, ये बोल रहा है आवाज सुनाई पड़ती है, वो भय का भूत होता है। अगर सुनाई पड़े तो सबको सुनाई पड़े, कोई को सुनाई पड़ती है कोई को नहीं सुनाई पड़ती है। बाबा ये के बारे में आप है कहना क्या, थोड़ा 64 जोगुनी प्रसिद्ध है, तो सुना नहीं, 64 जोगनी प्रसिद्ध है। कन्नड़ सीढ़ी में आ गया होगा, जाने कहाँ से कन्नड़ में उठा लिया है, कलाई मंगल सिक्सटी फोर चौंसठ जोगनिया गाई हुई है। उसमें वो तीन को अलग करते हैं वो बहुत मान्यता देते हैं, तीन को बहुत मान्यता देते, तो तीन तो योगनिया है ही खास, रुद्रमाला जो पहचानने वाले हैं वही योगी विशेष होते हैं या आप दूसरे होते हैं, है? और रुद्रमाला में तीन देवियां ही तो मुख्य हैं, सरस्वती लक्ष्मी
हाँ जगदम्बा बाबा मंदिरों में पंचामृत अभिषेक करता है। पंचामृत तो आत्माओं का निशान होता है या पांच अमृत है? अमृत किसे कहा जाता है? अमृत तो ज्ञानी है जो आत्मा मुर्दे से सालिम बन जाती है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाती है। तो पांच अमृत हैं, एक तो गऊ का घृत, घृत कहा जाता है याद को, जितनी याद करेंगे बुद्धि शुद्ध बनती जाएगी। दूसरा दूध को, ज्ञान दुग्ध है, गाय का दूध श्रेष्ठ माना जाता है। बाबा भी कहते हैं कन्या माताओं के मुख से ज्ञान अच्छा होता है सुनना, वो चाहे गंगा हो चाहे वैष्णवी देवी हो। फिर मिष्ठान्न को कहते हैं मीठा, बाबा भी कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो खूब मीठे बनो, नाम मात्र को भी कड़ुआपन कड़ुआपन न रहे। अगर भरपूर मीठे बन गए तो जैसे नारायण बहुत मीठे हैं वैसे ही नारायण को सब प्यार करते हैं, नारायण के सबसे संस्कार मिल जाते हैं। और कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ पूरे संस्कार सबके मिल जाते हो, नारायण को सब पसंद करते हैं। तो किस लिए करते हैं? मीठा, बहुत मीठा है। ब्रह्मा बाबा को सब पसंद क्यों करते थे सामने आके? बहुत मीठा था। तो मिठास भी चाहिए, दूध भी चाहिए, घृत भी चाहिए और शहद भी डालते हैं। क्या शहद कहाँ से आता है? जो मधुमक्खियां होती हैं उनमें प्योरिटी की पावर बहुत होती है। कितनी प्योरिटी की पावर होती है कि संगठित होकर के छोटे से घर में कितनी ढेर की ढेर इकट्ठी हो जाती है। यूनिटी की पावर है, उस यूनिटी की पावर से जो चीज तैयार करती है वो शहद है। साधारण मिठास से भी बहुत ऊंची किस्म की चीज है। तो ये पांच चीजें हैं जो डाली जाती हैं, इकट्ठी कर देते हैं तो कहते हैं पंच गव्य। जैसे होता है वैसे ही पंचामृत कहा जाता है। बाबा अभी तक पिछले एक जन्म को भी याद नहीं आ रहा है, तो को याद आ रहा है। आपको याद नहीं आ रहा है या रामकृष्ण की आत्माओं को भी नहीं याद आ रहा है? क्यों है? रामकृष्ण की आत्माओं को, जगदम्बा को, लक्ष्मी को, उनको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा होगा? हैं? उनको याद आ रहा होगा तो उनका नंबर लगे पहले 84 का चक्र समझने का, फिर हमारा भी लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं? हमारा भी लगेगा या हम आगे? नहीं। तो जब हम आगे नहीं है पुरुषार्थ में हम पीछे हैं तो नंबर भी हमारा पीछे लगेगा। कौन सा
का आधार पर ही है, चौरासी का जन्म याद आएगा, हिस्ट्री के आधार पर आएगा, ज्ञान के आधार पर ही याद आएगा। ज्ञान के ऐसे ऐसे पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएंगे जिन पर मंथन करने से अपने पार्ट खोलेंगे। अभी तो बोला सुदर्शन चक्र घुमाना है, अगर चौरासी के चक्र को जानना है तो क्या करना है, सुदर्शन चक्र घुमाना है, हमारी आत्मा को चौरासी के चक्र में देखना है कहाँ कहाँ कैसे कैसे पार्ट बजाए, इसी मंथन में लगे रहे बजाए, इस मंथन में लगे रहने के एक जन्म के पेट पूर्ति के चक्कर में लगे रहते हैं। हाँ? अरे मन शीशा कैसे बनेगा? हाँ? मन निर्मल कैसे बने? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा क्या? ईश्वरीय सेवा में जितना तन अर्पण करेंगे, धन अर्पण करेंगे, मन की ताकत अर्पण करेंगे, सगे संबंधियों की ताकत अर्पण करेंगे, सब कुछ अर्पण करेंगे तो मन क्या बनेगा? मन दर्पण बनेगा। जो अर्पण में तो दर्पण में, मन पावरफुल बनाना है तो क्या करना है? सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, अपनी चिंता नहीं, तो मन जरूर पावरफुल बन जाएगा ना। मन को ही आत्मा कहा जाता है, मन बुद्धि ही तो आत्मा है। पहचानने का संस्कार कैसे बनाने हैं? बनी बनाई बन रही, बननी ना। त्रेसठ जन्म में जितना भगवान की तरफ दूसरों की चित्त को मोड़ने का प्रयास किया है और अपने चित्त को जितना दूर भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास किया है, वही संस्कार यहाँ उदित होते रहते हैं। शकुनी मानव गाने उसके पवित्र उड़ने वाला क्रिया, उनके अंडर में रहने वाला वैष्णवी देव, उनके अंडर में रहने वाला शकुनी माने पक्षी। शकुनी माने पक्षी, पक्षी माने जो ऊंची उड़ान भरते हैं, ज्ञान योग के पंखों से उड़ते हैं, ज्ञान योग के पंखों से जो उड़ते हैं उनके नीचे रहने वाले। अरे शकुंतला की संतान कौन था? भरत चक्रवर्ती राजा था ना, कि पिता का नाम क्या था? दुष्यंत कौन है? सेवक। तो सेवाओं का प्रैक्टिकल रूप क्या है? अरे शंकर, ये शंकर है वही सेवाओं का प्रैक्टिकल रूप है। तो सबसे जागते ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाला कौन है? है राम वाली आत्मा। उसके अंडर में सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन है? राम वाली आत्मा की ये श्रीमत पर सबसे ज्यादा कौन चलता है, सबसे ज्यादा फॉलो कौन करने वाला है? हैं? छोटी मम्मी।
शकुंतला हो गई भरत माने भरण पोषण करने वाला, सारे विश्व का भरण पोषण करता है। शिव बाबा कौन सी आत्मा को कहेंगे, शिव को कहेंगे या शंकर को कहेंगे? हैं? शिव को कहेंगे। तो शिव के अंदर में चलने वाला राम वाली आत्मा है या लक्ष्मी वाली आत्मा है? राम वाली आत्मा शिव के अंदर पूरा चलती है, है? जिस पीने वाले को पूरा पवित्र कहेंगे, पूरा अंदर में चलने वाला कहेंगे? हाँ, वैसे भी देवी मुख्य है। ज्ञान का जो मुख्य आर्डर है, मुख्य आज्ञा है, वो कौन सी है? पवित्र बनो, योगी योगी तो बना, लेकिन पवित्र तो हुआ नहीं। पवित्र होने के लिए फिर किसका आश्रय लेना पड़ता है? लक्ष्मी का आश्रय लेना पड़ता है। तो ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाला हुआ शिव बाबा, और उसकी उसके अंडर में रहने वाली हुई लक्ष्मी, और उसका बच्चा कौन हुआ? भरत। कौन हुआ भरण पोषण करने वाला विश्व का? विश्व भरण पोषण कर जो हुई है, हाँ, नारायण। पूर्व जन्म का संस्कार, भविष्य का संस्कार। पूर्व जन्म का संस्कार तो भविष्य का संस्कार तब बनेगा जब हम वर्तमान जन्म में कुछ कर्मों में ऐड करेंगे, तो भविष्य का बन जाएगा। पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार हमें वर्तमान जन्म मिला, अच्छे संस्कार हैं तो अच्छा जन्म मिला, बुरे संस्कार हैं तो खराब जन्म मिलता है। और फिर इस जन्म में हम अच्छे कर्म करें तो आगे का जन्म अच्छा हो जाएगा, अच्छे संस्कार बन जाएंगे। जैसे अभी ब्राह्मण बन रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा जो श्रीमत मिल रही है और श्रीमत पर अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे अच्छे संस्कार पड़ेंगे। और जान करके भी, बूझ करके भी, समझ करके भी और फॉलो नहीं करते हैं तो हठयोगी सन्यासी ढीठ हुए या सहजराजी योगी हुए? हठयोगी हुए। हठयोगी सन्यासी तो फिर स्वर्ग पा नहीं सकते, दुखी होंगे, दुख के संस्कार हम ग्रहण करेंगे, दुखी दुनिया में जाके जन्म लेंगे। मन सोचता है, बुद्धि फैसला करती है। और फिर हम जो कर्म करते हैं उसका मन बुद्धि के ऊपर असर पड़ जाता है। हमारी आत्मा खुद ही रियलाइज करने लग पड़ती है कि हम इसका हम योग्य हैं या नहीं योग्य हैं। बुरे कर्म करने से मन मनोरूपी दर्पण कैसा हो जाता है? मैला हो जाता है, तो खाक चढ़ जाती है। ज्यों ज्यों अच्छे कर्म करते जाते हैं त्यों त्यों दर्पण साफ होता रहता है। तो मन बुद्धि के ऊपर जो असर पड़ता है अच्छे बुरे कर्मों का, वो ही संस्कार कहा जाता है। कोई ज्ञान लेने के बाद भी संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है,
और ज्यादा बिगड़े बनते जा रहे हैं। कोई का ज्ञान लेने के बाद तुरंत परिवर्तन दिखाई देता है। वो भरत नाम पड़ गया है संगम युगी एक्ट के अनुसार। शिव बाबा जब आता है जिस मुकर्रर रथ में आता है वो विश्व पिता है या नहीं है? उस विश्व पिता का जो भरण पोषण करता है फाउंडेशन की पीरियड में वो ही भरत बन जाता है। तो उसका नाम पड़ गया भरत। सीढ़ी के चित्र में भी भारत को भीख देते हुए कौन दिखाया गया? कोई विदेशी दिखाया गया ना। तो विदेशियों में पहला विदेशी कौन? इस्लाम धर्म। इसलिए विश्व भरण पोषण वैसे भी देखा जाए हिस्ट्री में तो दुनिया के ऊपर सबसे जास्ती राज्य कौन से धर्म ने किया? इस्लाम धर्म वालों ने किया। वो भरत का संस्कार उसकी सारी जनरेशन में समाया हुआ है। सारे विश्व के भरण पोषण करने वाले इस्लाम धर्म वाले बन गए। क्रिश्चियंस का राज्य तो अभी 100-200 वर्ष के अंदर दुनिया में फैला है। पहले तो सारी दुनिया में इनका राज्य था, इस्लामियों का ही राज्य था। इस्लाम और मुसलमान के बीच में बहुत टकराव है दोनों के अंदर। वो तो दुनिया में हर धर्म के दो छेड़े हो जाते हैं। क्या कोई भी धर्म है किसी को भी उठा लो, देवी देवता सनातन धर्म को उठा लो, दो छेड़े हो गए सूर्यवंश और चंद्रवंश। जब नई दुनिया शुरू हुई थी कि चंद्रवंश था क्या? नहीं, सूर्यवंश ही था। तो दो छेड़े हो गए कि नहीं? इस्लाम वंश के भी दो छेड़े हो गए इसी तरह है। इस्लामी और मुसलमान, मुसलमान धर्म के भी दो छेड़े हो गए शिया और सुन्नी। बौद्ध धर्म के भी दो छेड़े हो गए हीनयान महायान। तो ऐसे ही ये तो द्वैतवाद होता ही चला जाता है दुनिया में, एक से दो हो जाते हैं। एक रहता है तत्व प्रधान या कोई भी धर्म हो, जब तक उसमें एकता है तब तक सत्व प्रधान। और जैसे ही द्वैत शुरू होता है वैसे ही तमो प्रधान होना शुरू हो जाता है।